जय हिंद साथियों। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बच्चों के लिए एक और अपडेट है, एक नया नोटिस आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के लिए किस तारीख को आपकी परीक्षा होगी। इस डेट के लिए हम आपको बता देते हैं 11/2/2024 इन्होंने डेट फिक्स की थी, लेकिन कुछ परीक्षा केंद्र में इस डेट को परीक्षा केंद्र जो है खाली नहीं है। एक और डेट बताई जा रही है 18/2/2024, मतलब कि फरवरी ही महीने में आपका एग्ज़ाम फिक्स है। इन दोनों डेट पर आप बोर्ड ने सहमति जता दी है। अगर इनसे देखा जाए कि परीक्षा केंद्र जो है कोई कोई इस तारीख को खाली है, कोई इस तारीख को खाली है, मतलब दोनों में एक दिन पूरा खाली नहीं मिल रहा है बोर्ड, ऐसा एक दिन परीक्षा कराने में सफल नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है या कोई अलग डेट आ सकता है, या इस डेट को दोनों में से किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम होना तय माना जा रहा है। तो आपको क्या करना है भाई, पढ़ाई करना है, कुछ नहीं, आप इसको लेकर चलिए और अपना तैयारी करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फिक्स है। अगर ये दोनों पर डेट नहीं होता है तो हो सकता है अगर तीसरा डेट आएगा तो इनके बीच हो सकता है या एक दो दिन के बाद हो सकता है, इससे अधिक नहीं जाने वाला है। इसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में फिक्स है, इससे अधिक नहीं जाने वाला है भाई, ठीक है। तो जितना हो जाए जम के पढ़ाई करिए, आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर होगा। तो देखिए साथियों, आप जानते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप जितना हो जाए उतना पढ़ाई करिए, क्योंकि आप जानते हैं 3 साल के लिए एज में छूट मिली है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा, जिन बच्चे जो नए हैं चाहे जो बच्चे पुराने हैं दोनों के लिए बता देते हैं, आपका कंपटीशन थोड़ा सा हाई जाएगा, क्योंकि मेरिट अब जो है कम से कम 5 से 7 नंबर प्लस रहेगी ही रहेगी, 7 से 8 नंबर प्लस रहेगी ही रहेगी, ठीक है, कम से कम बता रहे हैं आपको, 7 से 10 भी हो सकता है, लेकिन भर्ती जो है 60,000 है, इसके वजह से थोड़ा सा अच्छी बात है। और देखिए साथियों, कोई ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, हाई लेवल कंपटीशन नहीं है, आपका मीडियम कंपटीशन है। 60,000 वैकेंसी कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है भाई, इसके बाद SSC GT इतना वैकेंसी डाला था, निकाला था पहले भी बहुत, तो इसकी वजह से ज़्यादा है नहीं। आपको बस एक सही दिशा में तैयारी करना है, क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है, सब चीज़ लेकर चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करिए, जितना हो जाए 10 से 12 घंटा पढ़ाई करिए, सही दिशा में तैयारी करिए, का सिलेबस को पूरा कंप्लीट करिए, आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर होगा। और प्रैक्टिस सेट हमेशा लगाते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।